नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारी टीम भी लगातार इस कोशिश में है कि आप तक सारे अपडेट्स पहुंचा सके। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई थी नगर पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी अभय कुमार झा से बातचीत हुई। साथ ही साथ उनसे कई मुद्दों पर तो बात हुई, साथ ही उनका एक मुख्य जिनका जो बात उन्होंने मुख्य रूप से कही वो ये थी कि अभी तक 29 लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको पैसा नहीं मिल पाया है। जो राहत का फंड आता है वो उन्हें नहीं मिल पाया है। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं जिनसे जो उनसे की गई है, और क्या बातें हैं आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में लोक सरकार चुनने का टाइम आ गया है और चुनावी बिगुल भी बज चुका है। कई चरणों में मतदान भी हो गया और लोगों ने वहां पे अपनी सरकार बना ली है। इसी तरह मैं तकरीबन भागलपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर नवगछिया प्रखंड के नगरा पंचायत में हूं। मैं यहां के भावी प्रत्याशी अभय कुमार झा और डिंपल झा से बातचीत करते हैं कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। डिंपल जी, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है समाज सेवा जी, और भ्रष्टाचार को मिटाना है। इस समाज में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। किसी गरीब को सरकार, अगर आप चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो रोड हुआ, नाला हुआ, उसका स्थिति इस गांव में जर्जर है जी। सबसे पहले उसको सुधारना है, उसका मरम्मत करवाना है। और मेरा सोच यह है, यहाँ जो 20,000 रुपया पर इंदिरा आवास में लेता है जी, और किसी भी योजना में 40-45% कमीशन ले लेता है जी। जो काम कराता है, वार्ड हो, मुखिया हो, डायरेक्ट 45,000 रुपया लाख में ले लेता है। तो आप इस चीज को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को सबसे पहले इसको रोकना है। और क्या क्या काम करेंगे? और जात पात को मिटाना है। जात पात की कोई राजनीति नहीं होगी, नहीं होगी। जात पात की जो यहाँ कुरीतियाँ फैली हुई है, इसको मिटाना है। हम लोग एक हैं, हम इंसान एक हैं। और क्या काम करेंगे? सबका सुधार करेंगे। ये सब कुरीति को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, समाज को आगे ले जाना है। डिंपल जी, आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, उसको बनवाना है। सरकार से हम मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में एक गर्ल्स हाई स्कूल हो, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने नवगछिया तक जाती हैं और बीच में वो अपने आप को सही महफूज नहीं कर पाती हैं। इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे, मतलब सरकार से मांग करेंगे? इसमें हम सरकार से मांग करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि नवगछिया और नगरे के बीच में एक पुलिस कैंप का व्यवस्था किया जाए। समस्या और आपके पंचायत में आता है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान नहीं है। खेल कूद का मैदान है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं। हाँ, व्यवस्था यहाँ का पंचायत का व्यवस्था लचर है और उसको भी सुधारना है। जो मैदान है अभी उसमें कीचड़ है, उसमें अभी बहुत परेशानी है। हम बनेंगे तो सबसे पहले ये फील्ड का जो मैदान है, इसमें मिट्टी भराई और चार दीवारी का हम व्यवस्था करेंगे, इस चीज का व्यवस्था करेंगे जी। आपने बताया सड़क पे काम करेंगे, शिक्षा पे भी काम करेंगे, नाला बनवाएंगे, खेलकूद का मैदान भी देंगे। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो उसके बारे में आप, स्वास्थ्य केंद्र, यदि उप स्वास्थ्य केंद्र है भी तो यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ डॉक्टर को आना चाहिए जी। जैसे पंचायत में ग्राम सेवक नहीं बैठता है, ताकि पूरे जनता को परेशानी है, दौड़ के ब्लॉक जाता है, सीओ साहब से मिलते हैं, वीडियो साहब से मिलते हैं, वहाँ से हम मांग करेंगे कि यहाँ कन्या कर्मचारी बैठे, ताकि हमको ब्लॉक जिला दौड़ना नहीं पड़े, तब पंचायती राज व्यवस्था जो है सरकार का वह साकार होगा। अच्छा, मतलब आप उप स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था करें जी। जी डिंपल जी, आपके पंचायत का सबसे बड़ी समस्या ये है जल निकासी की जी। जल निकासी की समस्या को आप कैसे देखेंगे? उसके लिए हमको नाला का निर्माण करना पड़ेगा। नाला का निर्माण करना जी, पड़ेगा। आपने बताया कि सड़क पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, वृद्धा पेंशन पे काम करेंगे, आवास पे काम करेंगे जी। जी
बालिका शिक्षा विद्यालय पे भी काम करेंगे, खेलकूद का मैदान भी देंगे। कुछ ऐसा काम आप जिसको प्राथमिकता देंगे, मुखिया बन के आएंगे और सबसे पहले उसी काम को करेंगे? सबसे पहला काम तो ये है जो यहाँ से हमारी बच्चियाँ बहनें बेटियाँ जो स्कूल पढ़ने के लिए भी नवच्छा जाते हैं उसका जो वो अपने आप को महफूज समझती है उसका हम गारंटी लेंगे। और दूसरा है कि हमारे पंचायत में जितना किसान है और उस किसान का फसल जो है कुछ गलत तत्व के व्यक्ति द्वारा उसको चला दिया जाता है, काट लिया जाता है बाय जबरन, अच्छा उसमें उस समस्या का भी हम समाधान करेंगे प्रशासन से मिलके। क्या नाम है आपका? अभय कुमार झा उर्फ डिंपल झा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप। क्रम संख्या 2। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार आप हमको मौका दें और सारी समस्या का हम सुधार करेंगे, सारी चीज व्यवस्थित कर देंगे, एक मौका सिर्फ हमको दें। एक मौका अगर आपको मिलता है तो आप जनता के विश्वास पे खड़ा हो जाए एकदम। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही करते हैं, जल्दी दबाओ।